स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया टीवी वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन बड़ी जानकर की बात करूं तो सरकारी तेल कंपनियों ने बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर जो कि मुंबई में 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। जो सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ने से उन पर काफी बोझ आ गया है। इसकी भरपाई करने के लिए खुदरा कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है और यही कारण है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार दूसरे दिन बढ़ गए हैं। आज दिल्ली में डीजल के दाम भी 80 पैसे बढ़कर 88.27 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं। वहीं नोएडा में पेट्रोल 101.64 रुपए और डीजल 88.63 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वही बात करें लखनऊ में तो लखनऊ में पेट्रोल 96.87 और डीजल 88.42 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जयपुर की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 108.81 रुपए और डीजल 92.35 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर जानकारी से खुद को अपडेट रखने के लिए बन रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।